नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। जोशीमठ में भूदशा के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक वजह बेतहाशा निर्माण को लेकर भी मानी जा रही है। वैज्ञानिकों के इस तर्क के साथ ही एक बार फिर से जिला विकास प्राधिकरण को लेकर बहस तेज हो गई है, जिस पर विरोध के बाद तिरथ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इन प्राधिकरणों पर रोक लगा दी थी। खास बात यह है कि इसको लेकर अब राजनीतिक दल बहस में जुट गए हैं और प्राधिकरणों की जरूरत को लेकर भी आवाज उठने लगी है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में अनियंत्रित विकास कार्यों और निर्माण पर नियंत्रण के लिए जिला विकास प्राधिकरण बनाए गए थे, जिसे तिरथ सरकार के दौरान हाशिए पर रख दिया गया। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के दौरान ही जिला विकास प्राधिकरण को अस्तित्व में लाया गया था और प्रदेश के तमाम जिलों में विकास कार्यों के लिए प्राधिकरण की मंजूरी जरूरी की रखी गई थी। इसके पीछे की वजह पहाड़ों पर अनियंत्रित विकास को रोकना था, लेकिन उस दौरान कांग्रेस समेत तमाम दो लोगों ने इसका विरोध किया और तिरथ सरकार ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन अब जोशीमठ में भूदशाब के चलते पूरा शहर खतरे में है। ऐसे हालात में एक बार फिर बीजेपी को जिला विकास प्राधिकरण की याद आने लगी है और कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक प्राधिकरण की जरूरत पर बहस में जुट गए हैं। हालांकि ये कांग्रेस थी जिसने विधानसभा में प्राधिकरण का विरोध किया था और कहा था कि ये व्यावहारिक है और लोगों को इससे दिक्कत आ रही है। इसके बाद सरकार ने इस प्राधिकरण के स्वरूप को रोक दिया था हालांकि जोशीमठ का मामला आने पर आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि उन्होंने विरोध जरूर किया था, लेकिन सरकार को चाहिए था कि एक बेहतर और तर्कसंगत नीति के साथ पहाड़ों के लिए प्राधिकरण को लाया जाता। जो प्राधिकरण का इन्होंने स्वरूप बनाया था वो निश्चित ही दिक्कत वाला है। उसका विरोध मैंने ही विधानसभा में किया था और मेरे विरोध करने के बाद, मेरे प्रश्न करने के बाद उसमें कमेटी का गठन हुआ। लेकिन उसमें जो आम जन है उसको दिक्कतें हैं, बड़े लोगों को दिक्कतें कहाँ हैं। उसमें कई ऐसे टेक्निकल इश्यूज थे कि आप एरियल डिस्टेंस 2 किलोमीटर, उसमें तो हमारा कोई गाँव ही नहीं बच रहा। तो वो तकनीकी दिक्कतें हटाने की हमने डिमांड की थी और हमने कहा था कि जो बड़े कंस्ट्रक्शन हैं उनको आप रोकें, लेकिन जो लोगों के आवास हैं, लोगों की छोटी छोटी दुकानें हैं जिससे उनका रोजी रोटी चलती है, इन पर ना करें। जो होटल्स बनने हैं उनका डिज़ाइन किस तरीके का होना चाहिए, उनका वेट कितना होना चाहिए, कितना अधिकतम भार उसमें होना चाहिए, इन चीज़ों में ध्यान होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, बिना पहाड़ को समझे हुए, बिना पहाड़ की दिक्कतों को समझे हुए प्राधिकरण इत्यादि का गठन कर दिया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जोशीमठ मामले पर अब जब सरकार गिरती नजर आ रही है, ऐसे इलाकों में निर्माण कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं रखने को लेकर सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई जा रही है, तो बीजेपी ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए जिला विकास प्राधिकरण पर कांग्रेस के विरोध को जिम्मेदार मानते हुए कांग्रेस को अड़े हाथों लिया है। बीजेपी के नेता विपिन केंतुला कहते हैं कि कांग्रेस हमेशा विरोध करती है और इस तरह की सरकार के बेहतर फैसले के खिलाफ भी आवाज उठाती है। प्राधिकरणों की जो है कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि प्राधिकरणों के द्वारा आखिरकार किस तरीके का ये काम किया गया जो ये बेहतरीन तरीके से जो है निर्माण हुए। देखिए, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मसले पर बात भी की है और उन्होंने कहा कि हम पूरे उत्तराखंड के अंदर लगभग 25 नई सिटीज बनाने का भी काम करेंगे और जो शहर हैं, जो पहाड़ों में जो कस्बे बन रहे हैं बड़ी संख्या में, उन कस्बों को भी हम चिन्हित करने का काम करेंगे। उस पर दोबारा से हम देखेंगे, रीड करेंगे कि किस पर ओवरलोड हो रहा है, उसके लिए हम आगे दीर्घकालिक योजनाएं पूरे उत्तराखंड के लिए बना रहे हैं। जोशीमठ भूदशा के बाद और प्राधिकरण पर सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। पहले प्राधिकरण का विरोध हुआ, अब राजनीतिक दल इस पर बहस करने लगे हैं, जो किसी के गले नहीं उतर रहा है। सौरभ भाटिया, देहरादून, इंडिया वॉइस। तो चलिए, सवाल, संशय और समाधान, चर्चा की शुरुआत करते हैं। गरिमा दोस्तानी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, रविंद्र कुमार हैं प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। गरिमा दोस्तानी जी, शुरुआत आप ही के साथ, क्योंकि जो जोशीमठ के लोग हैं वो इस चीज़ को जिम्मेदार मान रहे हैं कि अगर जिला विकास प्राधिकरण होता तो आज जोशीमठ के जो सूरत हाल बने हुए हैं, दरक रहा है जोशीमठ, दरार आ रही है घरों में, जमीन धस रही है, ये हालात नहीं होते। इस पर कांग्रेस पार्टी का अपना क्या स्टैंड है गरिमा जी? बहुत सारी बातें हैं, मुझे समय दीजिएगा। सबसे पहली बात तो विपिन केंतुला जैसे प्रवक्ता ही हैं जो अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं।
या फिर जिसने भी ये बात जो चिंगारी को हवा देने का काम किया है कि जिला विकास प्राधिकरणों का कांग्रेस ने विरोध किया। मैं आपको सिलसिलेवार, क्योंकि ये नए प्रवक्ता की आवाज है, तो हमारी आवाज थोड़ा बढ़ाएं पीसीआर टीम जी। नहीं अभी ठीक है, अभी ठीक है जी। देखिए क्योंकि ये नए प्रवक्ता हैं इसलिए शायद इन लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं पता है कि कब कब क्या क्या हुआ। निश्चित रूप से कांग्रेस ने विरोध किया, तो भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार में इसलिए आई है कि कांग्रेस के हर विरोध को सरमाथे ले ले और अपनी नीतियों में बदलाव करे? हमने कोई इनके गले पर चाकू या तलवार तो रखा नहीं था कि आप जिला विकास प्राधिकरण को हटा दीजिए मिटा दीजिए। लाए थे त्रिवेंद्र जी, यहाँ पर विपिन केंतुला क्या कहते हैं, जूता मुंह में दे दिया, अंग्रेजी की कहावत है फुट इन माउथ कर दिया विपिन केंतुला ने, क्योंकि कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, सिर्फ विरोध किया था बंसीधर भगत जो इनके तत्कालीन अध्यक्ष थे, वो मिले त्रिवेंद्र जी से और मैं प्रूफ के साथ इसको अभी आधे घंटे के अंदर अपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स में डालूंगी, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है बंसीधर भगत ने मिलकर त्रिवेंद्र रावत जी से जो वाक्य कहा था वो हेडलाइन में छपा था, जिला विकास प्राधिकरण वापस लीजिए, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। तो घिर गए भाजपा के प्रवक्ता, कांग्रेस ने नहीं बंसीधर भगत ने किया था, ठीक है। दूसरी बात, जैसा मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है और कांग्रेस पार्टी अपनी राय इनकी नीतियों पर रखेगी, सरकार इनकी है, गले पर चाकू रख के हम इनसे बातें नहीं मनवा रहे हैं। हमने बात रखी, आपने जिला विकास प्राधिकरण समाप्त किया क्योंकि वो अव्यवहारिक, बीजेपी कह रही है विधानसभा में कांग्रेस ने इसका विरोध किया था जब लागू की जा रही थी ये नीति तब। हाँ, बंसीधर भगत गए त्रिवेंद्र जी के पास जो इनके अध्यक्ष थे, जिला विकास प्राधिकरण को खत्म करो, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। मैं आपको प्रूफ दूंगी, कह तो रही हूँ विद इन हाफ एन आवर आपकी टीम मेरा फेसबुक मेरा ट्विटर मेरा इंस्टा सब चेक कर लीजिएगा, मैं प्रूफ के साथ बात करती हूँ। तो विपिन केंतुला को नहीं होगी ना ये जानकारी कि वो बेचारे फंस गए कांग्रेस का नाम लेकर, बंसीधर भगत जो तत्कालीन उनके अध्यक्ष थे वो विरोध कर रहे, तो कांग्रेस की बिसात क्या है भाई। और 10 से ज्यादा जिले पता कर लीजिएगा, मैं आपका शिवम भाई जी, अगर मैं नाम सही ले रही हूँ तो जी, आप पता कीजिएगा 10 से ज्यादा जिले प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जिसमें टाउन प्लानर नहीं है और ये प्राधिकरण के गठनों की बात करते हैं। इन्होंने यहाँ एमडीडीए बना दिया, एमडीडीए बनाने के बाद से यहाँ क्या हो रहा है कुछ पता तो कीजिए आप। एमडीडीए माने मसूरी देहरादून बेसिकली वो प्राधिकरण है, उसके बाद से और हम गर्त में चले गए एमडीडीए के बाद से। पहले का तात्पर्य सिर्फ इतना है शिवम जी कि कांग्रेस को घेरते घेरते भाजपा के लोग खुद घिर रहे हैं और एक तरफ कांग्रेस है जो सकारात्मक विपक्ष का अपना जिम्मेदारी निभा रही। मैं इनमें और अपने में अंतर जरा छोटे से टाइम में बता दूं। कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिला, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भी विपक्षी दल ऐसा गुड़ देगा मुख्यमंत्री को जिससे वो सत्ता पक्ष को घेर ना पाए? हमें पता था कि हमारे हाथ से एक तरकश से तीर निकल जाएगा, यानी कि अगर वहां मुख्यमंत्री ना जाते, वहां मंत्री लोग ना जाते जोशीमठ, तो हमें प्रहार करने का मौका मिलता। लेकिन हमें इस वक्त जनता की पड़ी थी, हमें जोशीमठ की पड़ी थी, तो हम एक ऐसी टिप मुख्यमंत्री को दे आए कि आपके मंत्री जो दो दो तीन तीन घंटे में हवाई जहाज से जा रहे, हेलीकॉप्टर से जा रहे, वापस आ जा रहे, ये बंद कीजिए, आपके मंत्रियों को वहां रहना होगा, कैंप करना होगा, आपको उनके बीच में रहना होगा। आप सोचिए कोई विपक्षी दल ये टिप देता है क्या सत्ता पक्ष को? और अगर मुख्यमंत्री कल वहां नहीं जाते या कोई मंत्री वहां नहीं जाते, कांग्रेस को खूब मौका मिलता है ऐसी तैसी करने का, लानत मलानत करने का सरकार। लेकिन लेकिन, लेकिन मुख्यमंत्री का धन्यवाद है, मुख्यमंत्री ने बात मानी, सुनिए पूरी बात होने दीजिए, मुख्यमंत्री का धन्यवाद है, मुख्यमंत्री ने मुख्य विपक्षी दल के सजेशन को माना। और जितने लोग मुझसे सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि क्या प्रूफ है कि आपने सुझाव दिया, वो पता कर लें, गणेश जोशी वहां पर बैठे थे गवाह के रूप में। गणेश जोशी के सामने मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप भी उनके बीच में रहिए, मंत्रियों को भी उनके बीच में रखिए। फिर देखिए इनका अंतर देखिए, ये कोई मौका नहीं चूक रहे विपक्ष को घेरने का, ये कोई मौका नहीं चूक रहे जोशीमठ का पूरा किया धरा ठीकरा हमारे सर पर फोड़ने का। 6 साल से सरकार तुम्हारी है, 2 बार का विधायक बद्रीनाथ से तुम्हारा था उस क्षेत्र से, और ठीकरा फोड़ोगे कांग्रेस के ऊपर, गले उतरेगी क्या जनता के? कितना भी आप उसको मीठा घोल बनाकर पिलाएंगे तब भी जनता के गले नहीं उतरेगी कि 6 साल से प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की ट्रिपल इंजन की सरकार है और 2 बार के विधायक आपके आज के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं।
जिनकी अनदेखी की वजह से जोशीमठ का ये हाल हुआ है। लेकिन और जिनको लोगों का आक्रोश और विरोध वहां पर झेलना पड़ रहा है। आपको माननी पड़ेगी कि ये वही कांग्रेस है जो किस कांग्रेस ने विधानसभा में विरोध किया था और अब आप सियासत को लेकर इस पूरे मामले का विरोध कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। मैं कह रही हूँ हमने विरोध किया, मैं नकार कह रही हूँ, लेकिन इनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी विरोध किया, ये भूल गए, या तो ये भूल गए या इनको जानकारी नहीं है। वो जानकारी अभी थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगी। रविंद्र कुमार जी, प्रदेश वंशीधर भगत ने भी किया था आपके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और आज जिला विकास प्राधिकरण की नीति अगर इम्प्लीमेंटेशन उसका हो रहा होता तो जो टनल बनाया जा रहा है वो, हालांकि ये स्थिति नहीं होती जो जोशीमठ में फिलहाल सूरत हाल बने हुए हैं। देखिए, हमारी साथी प्रवक्ता बहन गरिमा जी ने काफी सारे चीजें जो है अपने आप को बचाते हुए, कांग्रेस पार्टी को बचाते हुए सारी चीजें इन्होंने हमारे ऊपर रख दी। अब जिस प्रकार सरकार तुम्हारी चल रही है, कांग्रेस पार्टी तो पहले ही बची हुई है, सरकार 6 साल से तुम्हारी चल रही है, तो फिर दोष किसको देंगे? 17 से 22 विधायक तुम्हारा था, लड़ा रहे कितना दोष किसको देंगे फिर? आप तो गरिमा मैडम, एक बार बात सुन लीजिए रविंद्र कुमार क्या कह रहे हैं। आप बोल रही थी रविंद्र जी, बीच में नहीं बोल रहे थे, एक बार आप भी सुन लीजिए उनकी, फिर आपसे काउंटर कर लेंगे। देखिए, ये अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी, सबसे पुराने कार्यकर्ता और सबसे पुराने प्रवक्ता मानते, लेकिन इनको डिबेट में ये तक भी नहीं पता कि जब आपने अपनी बात कह दी तो दूसरे का जवाब सुनना चाहिए। सर प्लीज, अब अपनी बात रखिए। सर मैंने बोल दिया ना, मेरा काम है बोलना, मैंने बोल दिया, आप अपनी बात। देखिए, पर्सनल जो बात कही है वो पर्सनली जवाब दिया जाएगा। अब उसमें होता क्या है कि देखिए, उन्होंने बड़ी सफाई से कह दिया कि मुख्यमंत्री को सारा सजेशन हम देकर आए, मुख्यमंत्री को हम बता दिया है कि आप वहां जाके रुको। अरे भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? एक संवेदनशील सरकार है, मुख्यमंत्री संवेदनशील है, लगातार जो है उस सारे प्रकरण में निगाह रखे हुए हैं, नजर रखे हुए हैं। बात मुख्यमंत्री के दौरे पर नहीं हो रही सर, बात ये हो रही है कि जिला विकास प्राधिकरण को लेकर बीजेपी का फिलहाल स्टैंड क्या है, अब स्टैंड पहले क्लियर कीजिए। देखिए, मैं आ रहा हूँ। अब जिस प्रकार से हमारी बहन ने, गरिमा जी ने जो बात उठाई है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जल्दी से दीजिए फिर अपने सवाल, मेरे सवाल पर। प्राधिकरण के विरोध करने की जहां तक बात है, कांग्रेस ने खुल के उस समय चाहे विधानसभा में हो चाहे अपने बयानों में वहां का विरोध किया था, और अब ये कह रहे हैं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी किया था। तो क्या हमारे प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन आपकी पार्टी को भी चला रहे थे? क्योंकि हम विरोध करेंगे तो आप भी विरोध करोगे, तो ये कहना कहीं से भी कहीं तक सही नहीं है। आप एक जिम्मेदार पार्टी, आप नकार रहे कि बंशीधर भगत ने नहीं किया था विरोध। मैंने कहा ना, मैं प्रूफ रखूंगी और बिना प्रूफ के नहीं बोलती कुछ भी। सुन लीजिए ना, मैंने किसी ना, मैंने प्रूफ किया ना, मैंने प्रूफ मांगा आपसे ना, मैं प्रूफ दे रहा। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि क्या उस समय के प्रदेश अध्यक्ष ने अगर विरोध किया तो क्या आप उनके विरोध के साथ विरोध कर रहे थे? क्या उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष माननीय बंशीधर भगत जी कांग्रेस को चला रहे थे? तो ये आपका अपना विवेक था, आपने विरोध किया, जन से किया विकास। और देखिए, लगातार कांग्रेस का जिस प्रकार का रवैया रहा है, कांग्रेस को घेरोगे किस इशू पे भाई? अब हमें घेरने के लिए क्या रह गया जब आपके प्रदेश अध्यक्ष, मैंने तो कहा कि हमने भी विरोध किया, उन्होंने भी विरोध किया प्रदेश अध्यक्ष ने, तो अब आपके हाथ से तो मुद्दा खिसक गया। कांग्रेस को किस बिना पर, किस आधार पर आप घेरोगे, बताओ ना? हम कटघरे में खड़े हैं तो फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष भी कटघरे में खड़े हैं, फिर वो लोग भी कटघरे में खड़े हैं जिन्होंने कांग्रेस का कहना माना, क्योंकि यहाँ की जनता ने आपको कांग्रेस का कहना मानने के लिए चुना है क्या? कांग्रेस का कहना नहीं मानते हैं गरिमा दोसोनी, कांग्रेस का कहना नहीं मानते तो विपक्ष पर सवाल उठाता है कि हमने तो सलाह दी थी सरकार को, हमारी बात मानी नहीं, कहना माने तो सरकार की आफत है और कहना ना मानो तो सरकार की आफत है। नहीं 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 नहीं, हमारा काम तो है बोलना, हमारा काम इनको हर नीति पर सलाह देना है। हम अपने दिमाग से सलाह देंगे, इनका अपना दिमाग है, इनको सलाह कौन सी माननी? जैसे हम 3 साल से कहते रहे देवस्थानम वोट भंग करो, लास्ट में आके धामी जी ने भंग किया, त्रिवेंद्र जी ने 4 साल तक नहीं सुनी, तो कौन सी बात पर इसमें इंक्लूड होने के लिए मौका देने दीजिए। रविंद कुमार को अपना स्टैंड तो क्लियर करने दीजिए एक बार। देखिए जल्दी से सर, गरिमा बहन हमारी बहुत अच्छी प्रवक्ता है, और लेकिन ये बार बार बीच में कूद जाना ये अच्छी चीज नहीं है। आप किसी की बात सुनेंगे तभी तो पता लग जाएगा आपको। मैं बिल्कुल बीच में किसी का टोका टाकी नहीं करता, मेरी बहन 20 सेकंड मेरी बात सुनेगी। देखिए, मैं बार बार नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। इनके इनके बयान में खुद ही कॉन्ट्रोडिक्शन है।
एक तरफ तो ये कह रहे कि हम मुख्यमंत्री को बता के आए कि आप वहां रुक जाओ, एक तरफ कह रहे कि हमने विरोध किया तो बंसीधर ने विरोध किया, तो बंसीधर भगत जी के विरोध से हमने विरोध किया। तो देखिए कांग्रेस का कंफ्यूजन हमेशा से, इनकी नीति और इनकी नियत हमेशा से कंफ्यूजन है। ये मेरा सवाल सर सीधा इतना सा है कि जिला विकास प्राधिकरण पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है, सरकार का स्टैंड क्या है, बस इतना बता दीजिए मुझे। देखिए सरकार इधर घुमाने की बजाय, देखिए सरकार का स्टैंड था, सरकार उसको लेकर आई थी, विकास प्राधिकरण को लेकर एक उसकी कमेटी गठित करी थी, उसको कैसे वो अपना काम करे, लेकिन एक विधानसभा के अंदर विपक्ष ने जब इसका विरोध किया, कहीं ना कहीं इसके विरोध को लेके इन्होंने कई तरीके से उस समय अनगर आरोप लगाए, तो ये अब इस बात को मान नहीं रहे। अब वो तो कह रहे हैं कि हमारा काम विरोध करना, हम इस बात हम इस बात को गर्मा जी मान रही है कि हमारा काम विरोध करना, इसका मतलब ये थोड़ा ना जो हम जो कहेंगे वो आप मान लेंगे। नहीं नहीं देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो ये कहेंगे वो मान लेंगे। बीजेपी के पास अपने खुद के बुद्धिजीवी लोग हैं ना, सरकार का खुद का भी दिमाग काम करता है। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, कहने का बिल्कुल आपका नजरिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात कहना कि जी हमने विरोध किया, हम इनके लिए बंसीधर भगत जी ने विरोध किया इसलिए हमने विरोध किया, देखिए ये कहना गलत है। आपने उस समय विरोध किया और बहुत ताकत के साथ विरोध किया, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो निर्माण कार्य जो है वहां पे युद्ध स्तर पे हुआ और जिस तरीके से होना चाहिए था उसकी कैपेसिटी को देख के या उसके जो जमीनों की उसकी भूगर्भ के हिसाब से कि कितनी मंजिला इमारत होनी चाहिए, किस तरीके का यहाँ विकास होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं। लेकिन लेकिन रविंद्र कुमार क्या इस बात को मानते हैं कि अगर विकास प्राधिकरण का जो प्लान था वो लागू होता तो ये जो हालात बन रहे हैं जोशीमठ के अंदर, एक नया जोशीमठ बनाए जाने की मांग होने लगी है, जमीन के अंदर मकान धस रहे हैं, दरारें आ रही हैं, ये हालात उत्पन्न नहीं होते अगर विकास प्राधिकरण लागू होता तो? देखिए निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह सकता आज की परिस्थिति में कि क्या होता और क्या नहीं होता, लेकिन हाँ ये जरूर होता कि जो अनऑथराइज निर्माण या बिना प्लानिंग के जो निर्माण कार्य हुए उसमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक रोक जरूर होती, कोई प्लानिंग होती, जो लगातार 1976 में भी कहा था कि भाई यहाँ पे ये जमीन जो है यहाँ पे ड्रेनेज की समस्या है, यहाँ नाले हो या सीवरेज की प्रॉब्लम है, तो उस तरीके की जरूर प्राधिकरण होता तो वो सारी चीजें जरूर इसमें जो भी कॉलोनी बनती है। लेकिन गरिमा सोनी, वैज्ञानिकों ने जो कहा है शुरुआत में फौरी तौर पर, तो जोशीमठ में हालात उत्पन्न हुए हैं उसके पीछे महज और महज एक कारण निकलकर सामने आया फिलहाल भूवैज्ञानिकों के सर्वे में कि बेतिहाशा निर्माण, और बेतिहाशा निर्माण का जब सवाल आया तो विकास प्राधिकरण को लेकर भी हम आज बहस कर रहे हैं। अगर बेतिहाशा निर्माण बंद हो गया होता जोशीमठ के अंदर, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाता, तो आज ऐसे हालात नहीं होते और लोग भरी ठंड में घरों के बाहर रहने को मजबूर नहीं होते। मैं बोल लूं शिवम भाई? जी मैम। यहाँ जो भाजपा के प्रवक्ता रहते हैं वो जनता को एक ये नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं या एक प्रोजेक्शन ये देना चाहते हैं कि भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार, भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार पर भारी पड़ गई कांग्रेस। पूरी डिबेट सुनकर आपको यही लगेगा कि कांग्रेस ने इतना विरोध किया कि हम जिला विकास प्राधिकरण गठित नहीं कर पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे कार्यकाल में अंधाधुंध निर्माण हो गया, तो ये हालत आ गई, यानी कि कांग्रेस भारी पड़ गई। देश की सबसे बड़ी पार्टी, 57 का बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार, और चल किसके इशारों पर रही है? कांग्रेस के इशारों पर। नहीं कहना चाह रहे ना सबसे भारी विरोध की वजह से निर्माण हो गया, वहां जिला विकास प्राधिकरण का गठन नहीं हो पाया, सब किया धरा कांग्रेस का। यानी कि कांग्रेस जब सरकार से बाहर रहती है तभी भी प्रदेश के लिए नीतियां कांग्रेस बनाती है, जब सरकार में रहती है तो बनाती है। यही कहना चाह रहे हैं आप कि दोनों सूरतों में नीतियां कांग्रेस की ही लागू होती है, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। मैम बेतहाशा निर्माण वजह है कि नहीं है? निर्माण वजह है, लेकिन वही तो मैं कह रही हूँ कि इसकी तरफ ध्यान, निर्माण वजह एक हो सकती है, टनल दूसरी वजह है एनटीपीसी की, क्योंकि विस्फोट हुए हैं स्थानीय जनता के बराबर। देखिए कई बार भू वैज्ञानिक और बेहद एमिनेंट पर्यावरणविद भी फेल हो जाते हैं एक स्थानीय व्यक्ति की नजरिए और उसकी उसकी राय के सामने, क्योंकि जो बात वो ऊपर से देखते हैं भू वैज्ञानिक और पर्यावरणविद, उस लम्हे को जिया होता है वहां के स्थानीय व्यक्ति ने, उसने नोट किया होता है कि मेरे पहाड़ों पर असर किस बात का पड़ रहा है,
ये जो रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है कर्णप्रयाग का, आपको क्या लगता है कम विस्फोट हुए इस रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए? हेलंग मारवाड़ी बाईपास के लिए कम विस्फोट हुए? 2019 में चार धाम परियोजना आई, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बैठाई, डॉक्टर रवि चोपड़ा अध्यक्ष थे, मेरी दूरभाष पे बात हुई डॉक्टर रवि चोपड़ा से, डॉक्टर रवि चोपड़ा कहने लगे मैंने तो मैडम इस्तीफा दे दिया उस कमेटी के सदस्यता से अध्यक्षता से, क्योंकि मेरी सुनी नहीं रही थी सरकार। फिर मैंने बोला हेलंग मारवाड़ी बाईपास जो है आत्मघाती कदम है, जब आप डायनामाइट लगाएंगे इस बाईपास को बनाने के लिए खत्म हो जाएगा जोशीमठ बचा खुचा, क्योंकि हेलंग मारवाड़ी बाईपास पूरे उसके उसके स्टार्टिंग से जा रहा है, उसके ऊपर है जोशीमठ। उन्होंने कहा मत बनाइए, सरकार बनाने पे जुट गई। उन्होंने कहा अच्छा चलो बनाना ही है तो वन वे ट्रैफिक करिए, बद्रीनाथ जाने वाला जोशीमठ से जाए, आने वाला हेलंग से आए, वो भी नहीं माना सरकार, लेकिन तो बोले शब्द होकर इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन रविंद्र कुमार इतना तो मानना पड़ेगा कि प्रकृति के साथ आती है ना, सुनती नहीं है रविंद्र कुमार, ये सुनती नहीं है। प्रकृति के साथ अगर छेड़खानी करोगे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो उसका सर खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, जो अब सरकार वो नहीं भुगत रही है, वो मलबे पर है, वो ग्लेशियर के लैंडस्लाइडिंग के मलबे पर जमा हुआ है पूरा जोशीमठ। वही उसमें वही कैसा भी निर्माण कार्य होता, वो स्टैग्नेंट नहीं होता, मेरा वही सवाल है करना मैम, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और जोशीमठ के लोग उस खामियाजे को भुगत रहे हैं, क्योंकि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के मतलब आपने जनता के लोग लगातार सवाल उठा रहे थे जब से छोड़ना भाई आप लोग सरकार को तो बिल्कुल कुछ कहना ही मत, मंत्री जो दो दो तीन तीन घंटे के हवाई दौरे पे जा रहे हैं उसकी गलती होगी उसे सवाल पूछा जाएगा, चाहे विपक्ष हो चाहे कांग्रेस पार्टी गर्मा हो, मजबूती से रख दिया तो हम आपसे जनता गर्मा जी, चाहे सवाल कांग्रेस से हो चाहे सवाल भारतीय जनता पार्टी से हो, इंडिया वॉइस उतनी बेबाकी से सवाल पूछता है जितना पहले पिछले समय से पूछता आया है। आपने सरकार को लताड़ा कहाँ पर, अपनी पूरी डिबेट में आपने सरकार का कहाँ पर, मैं पूछ रहा हूँ रविंद्र कुमार से, रविंद्र कुमार से सवाल पूछ रहा हूँ ना, कि कांग्रेस ने विरोध किया तो क्यों नहीं आपने रविंद्र कुमार से, मैडम आपने विरोध किया तो आपसे सवाल भी ना पूछे क्या, आपने विधानसभा में विरोध किया तो आपसे सवाल ना पूछे क्या, बताइए आप मुझे, नहीं पूछिए लेकिन सवाल आपसे पूछा, सवाल रविंद्र कुमार से पूछ रहा हूँ, रविंद्र कुमार अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जोशीमठ के लोग आप सवाल पूछने देंगे गर्मा तो थोड़ी तब पूछूंगा ना, आप सवाल पूछने देंगे तब पूछूंगा, आप जब से जब आपका मीटर शुरू हो जाता है चुप होने का नाम नहीं लेते हैं, हो गया ये हाल जोशीमठ का, एक बार मुझे पूछने तो दीजिए मैडम, की सरकार तो केवल जो है मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि जोशीमठ के लोग लगातार सवाल उठा रहे थे, सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया रविंद्र कुमार, जोशीमठ के लोगों ने सवाल उठाया था कई बार, आपकी सरकार कहाँ थी उस वक्त इस टनल को लेकर बेताशा निर्माण को लेकर, लेकिन स्तंभ चुप था मौन था। देखिए 1977 अरे मैडम जवाब तो देने दीजिए अब उनको, आप चुप नहीं हो रही हैं, उनको सुन तो लीजिए, मैंने सवाल कर लिया उनसे, सवाल समय बहुत कम है, जल्दी से रविंद्र कुमार। 1976 में जब एके मिश्रा की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि ये मलबे में बना हुआ जो है जोशीमठ है, इसके ऊपर निर्माण कार्य किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए। 1976 में ना तो भाजपा ना कोई और पार्टी भी, एक छत्र कांग्रेस का शासन था। जोशीमठ के लोग सवाल उठा रहे थे, उस प्रोजेक्ट को क्यों नहीं रोका गया, जल्दी से एक लाइन में बता दीजिए। देखिए अभी तक किसी भी जो जितने भी सर्वे हो रहे हैं, चाहे भू वैज्ञानिकों के चाहे गर्भ भू वैज्ञानिकों के, उसमें अभी तक किसी भी रिपोर्ट ऐतिहासिक निर्माण वजह नहीं आई है। नहीं देखिए सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, अभी तक उसमें कोई विस्तृत रिपोर्ट आनी बाकी है कि क्या ठीक है, पहले विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार मीडिया को भी है और विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार गरिमा दसोनी भी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए रविंद्र कुमार, गरिमा दसोनी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल कहीं है कि आखिरकार जोशीमठ में जो हालात उत्पन्न हुए हैं, जोशीमठ में जो दरारें आ रही हैं, इसके पीछे आखिरकार जिम्मेदार क्या है? खैर चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।